दोस्तों ये है Xiaomi का लेटेस्ट रिलीज़ ए सीरीज़ का 32 इंच का टीवी और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी एक अनबॉक्सिंग और एक फुल इन डेप्थ रिव्यू। दोस्तों Xiaomi ने अपने A सीरीज के टीवी लॉन्च किए थे कुछ दिन पहले, जिसमें तीन मॉडल लॉन्च किए गए थे, 32 इंच A सीरीज, 40 इंच A सीरीज और 43 इंच का A सीरीज। 40 इंच और 43 इंच मेरे हिसाब से आज भी मुझे यही लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईली प्राइज्ड है। 40 इंच का जो टीवी है वो 20,999 रुपए का आता है और 43 इंच का जो A सीरीज का है वो 23,999 रुपए का आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है फॉर अ 43 इंच फुल HD टीवी, बिकॉज इतने प्राइस में आपको 43 इंच 4K मिल जाता है। बचता है अपना 32 इंच का टीवी, जो मैं सजेस्ट करता हूँ 13,999 रुपए का दे रहे हैं ये लोग। आफ्टर ऑल द डिस्काउंट यू कैन गेट इट फॉर 12,500 रुपीज, विच इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस टीवी, यू कैन गेट इट। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरे इस वीडियो में हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और स्टैंड डिज़ाइन, बिल्ट, मेटल बिल्ट, बेजरलेस है कि नहीं, पोर्ट्स, रिमोट, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको कोई सवाल रह जाता है आफ्टर ऑल दिस वीडियो वॉचिंग, देन यू कैन व्हाट्सएप मी, इंस्टाग्राम कर सकते हो, ट्विटर पे या फिर थ्रेड्स पे आप मुझे फॉलो तो कर ही लेना और मैसेज कर सकते हो, आपके सवाल के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वैसे व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड इसकी अनबॉक्सिंग वाला आपको थोड़ा सा नए डिज़ाइन में दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है बॉक्स, जिस पर लिखा हुआ है Xiaomi Google TV, राइट साइड में लिखा हुआ है MI, नीचे लिखा हुआ है Xiaomi TV A सीरीज 32 इंच का ये टीवी है। है गूगल क्रोमकास्ट बिल्ट इन, पैचवॉल का सपोर्ट है, डॉल्बी ऑडियो, 20 वॉट के स्पीकर हैं, विविड पिक्चर इंजन है जो उनका प्रोप्राइटरी है, बेजरलेस डिजाइन के साथ इस पे 1366x768 HD का रिजोल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है। ये फ्रंट साइड है, बैक साइड पर भी कुछ सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलते हैं दो स्टैंड, एक क्विक स्टार्ट गाइड, दो बैटरीज और एक रिमोट। रिमोट के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे और कुछ स्क्रूज स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसकी वारंटी के बारे में। आपको इसकी एक साल की वारंटी मिलती है और उस एक साल की वारंटी को आप एक्सटेंड कर सकते हो चाहो तो गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी इज़ अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो बेसिकली आपके किसी भी प्रोडक्ट, टीवी, फ़ोन या फिर और भी कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसकी वारंटी को बढ़ा 4 साल बढ़ा देता है। तो 1+4=5। अब 5 साल के अंदर अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस। जेन्युइन पार्ट्स यूज़ होंगे, ऑफिशियल सर्विस रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा एंड यू विल गेट अ फ्री रिप्लेसमेंट अगर आपका टीवी ठीक नहीं हुआ तो। ये मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट और कोई नहीं देता टीवी के मार्केट में। तो यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर। ये सभी अप्लायंसेस की वारंटी बढ़ाते हैं एंड प्लीज़ ये 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसके रिमोट्स के बारे में बात करेंगे, पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, पील्स, इनिशियल सेटअप, ऑडियो वीडियो सब आप एक साथ दिखाएंगे और लास्ट में आपसे मिलेंगे। दोस्तों ये मिल जाता है आपको Xiaomi का रिमोट, जिसमें आपको 4 हॉटकीज मिलती हैं, Netflix, प्राइम वीडियो, Disney Plus Hotstar और YouTube की। ऊपर आपको एक D-pad मिल जाता है, असिस्टेंट का बटन मिल जाता है, पावर का बटन मिल जाता है, बैक, होम, पैचोल का बटन मिल जाता है। इससे क्या पैचोल का बटन दबाएंगे और पैचोल लग जाएगा, होम का बटन दबाएंगे तो Google TV का इंटरफेस लग जाएगा। नीचे वॉल्यूम प्लस माइनस मिल जाता है, इसमें क्विक वेक और क्विक म्यूट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। क्विक वेक मतलब आप 5 सेकंड के अंदर टीवी को दोबारा स्टार्ट करते हो तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, और
क्विक म्यूट मतलब वॉल्यूम माइनस बटन को दो बार दबा के आप म्यूट कर सकते हैं। म्यूट का बटन अभी भी मिसिंग है बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिमोट फ्रॉम MI। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं दो USB 2.0, उसके नीचे आपको एक ईयरफोन जैक मिल जाता है जो हेडफोन और स्पीकर्स को कनेक्ट करने के काम आएगा। उसके नीचे आपको मिलता है तीन RCA के पोर्ट, तीन नहीं है एक्चुअली एक ही RCA के पोर्ट है, जैसे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स को इस टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। दो HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, उसके नीचे एक LAN पोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप डायरेक्ट विदाउट वाईफाई के वायर्ड इंटरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है अगर आप सच में लाइक प्रॉपर बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं और नेशनल टीवी वगैरह कुछ जो भी फ्री टू एयर चैनल्स हैं उनको लगा के एंटीना से देखना चाहते हैं तो इस ये पोर्ट काम आ जाएगा। पोर्ट काफ़ी सफिशियंट है मेरे हिसाब से, दो HDMI मोर देन एंड एफ इन 32 इंच टेलीविजन, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों चूंकि ये गूगल टीवी है इसको सेटअप करना काफ़ी इजी होने वाला है। पावर से मैंने कनेक्ट कर दिया, अभी रिमोट से हम बटन दबा रहे हैं। MI लिखा आया है। सबसे पहले दोस्तों गूगल टीवी है यह, चूंकि मैंने आपको बताया तो इसको सेटअप करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक वाईफाई और दूसरा अपना जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट, और दोनों ही चीज़ों में लॉगिन आप एक QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं इजीली। अभी जब इनसे सेटअप करेंगे सबसे पहले रिमोट भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होता है ताकि वो आपका इजीली इससे कनेक्ट हो जाए एंड आपको टीवी की तरफ पॉइंट ना करना पड़े रिमोट को। ये पहला 32 इंच का टीवी है जो एक बढ़िया अच्छा नोन ब्रांड ने लॉन्च किया है 32 इंच में। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए और बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में, क्योंकि अब सजेस्ट करने के लिए एक बढ़िया टीवी मार्केट में आ जाएगा अगर ये इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छा परफॉर्म करती है, अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छा परफॉर्म करती है। तो बेजल लेस है ये मैं मानता हूँ, लेट्स चेक इट आउट कि अंदर इसके कैसे फंक्शंस हैं। तो फटाफट से इसे सेटअप कर लेते हैं, मैं QR कोड को स्कैन करके इसको सेटअप करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ इसमें नेटफ्लिक्स पेमेंटो सभी ऐप्स में लॉगिन कर लूँ ताकि आपको जो जब डेमो दूंगा यूज़र इंटरफेस का तो बहुत अच्छा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया, एज यू कैन सी इट्स अ गूगल टीवी एंड अ वेरी गुड वन ऑफ देम बिकॉज इट हैज़ टू यूज़र इंटरफेसेस। जैसे ही आप रिमोट में पैच वॉल का बटन दबाते हैं आपका पैच वॉल लग जाता है जो MI का प्रोप्राइटरी है और बहुत अच्छा है। इन्होंने पैच वॉल को अच्छा बनाते बनाते इतना अच्छा बना दिया है दैट इट्स जस्ट द बेस्ट, क्योंकि इनके जो टाई अप है वो बहुत सारे ऐप्स के साथ में है और उन सारे ऐप्स का कंटेंट बाहर ही निकल के आपको शो होता रहता है। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच एनी थिंग यू कैन जस्ट यूज़ यूनिवर्सल सर्च एंड वो सारे ऐप्स के अंदर सर्च करके आपको बताएगा कि ये कंटेंट कहाँ पर अवेलेबल है। जस्ट लाइक जस्ट वॉच नाम का एक ऐप है, यू कैन सर्च इट फॉर, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। शोज़ म्यूजिक लाइव किट्स के आपको टैप्स मिल जाते हैं जिन टैप्स में आप अलग अलग चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे पैच वॉल की बात बता रहे हैं अभी हम, इसमें जब मोर ऐप्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको MI होम का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप अपने MI अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं तो आप अपने कैमरा को, एयर प्योरीफायर को, रोबोट को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भी ये कैमरा डिवाइस ऑफलाइन बता रहा है, अगर ये ऑनलाइन होता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट फुटेज देख पाता, लाइव फुटेज देख पाता टीवी के अंदर ही, दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द कैमरा फीड राइट नाउ। अगर मैं होम का बटन दबाता हूँ तो गूगल टीवी वाला इंटरफेस आ जाता है, पैच वॉल का बटन दबाता हूँ तो पैच वॉल का जाता है। जस्ट रिपीट नहीं करते, गूगल टीवी का भी बताते हैं। फॉर यू मूवीज़ टीवी शोज़ ऐप्स एंड लाइब्रेरी के आपको टैब मिल जाते हैं। मूवीज़ में अगर आप नीचे आके देखोगे तो सारी मूवीज शो होंगी जो भी अलग अलग ऐप्स में अवेलेबल हैं, और टीवी शोज़ में आके देखो तो टीवी शोज़ की शो होंगी। थोड़ा सा अभी टीवी की फ़िलहाल यूज़र इंटरफेस वाली ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है, मतलब कंटेंट प्ले करेंगे तो शायद कुछ अलग हो, और जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है वो स्टैंडर्ड मोड पे आ रही है। अगर हम इसको विविड पे सेट कर देंगे तो यार एक चीज़ बताऊँ, इस बार ना पता नहीं प्रोसेसर में इधर कुछ किया है या फिर क्या किया रहे मड़ा है जो भी है, बट टीवी इज़ फ्लूइड। अब तक टीवी ने एक हिकअप भी नहीं लिया है। जो Xiaomi 5A Pro था वो भी बहुत फ्लूड था, 5A इतना फ्लूड नहीं था, बट दिस टीवी इज़ फ्लूड। Xiaomi TV Plus का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, बेसिकली इस पर कुछ लाइव टीवी चैनल्स आप फ्री में देख सकते हैं। आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट दिस। पैच वॉल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिजिटल, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो सारे ऐप्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। गूगल टीवी का भी अच्छे अच्छे कनेक्शन हो गए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर मैं गुड डॉक्टर देख रहा हूँ तो वो कंटिन्यू वॉचिंग में यहीं पर दिखा रहा है। फैमिली मैन प्राइम वीडियो पर देख रहा हूँ तो यहीं पर दिखा रहा है। अगर मैं हॉटस्टार पर अभी फिलहाल कौन सा चला हुआ है, अरे मार्वल का चला हुआ है ना, वो वाला अगर देखना है तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यू वॉचिंग में आ जाएगा। तो ये चीज़ सीक्रेट इन्विजन चला हुआ है, बाय द वे याद आ गया। तो जो कुछ मूवीज़ हैं, एडवेंचर फिल्म हैं, वो आप गूगल प्ले स्टोर से खरीदने वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं। हॉटस्टार पर अगर अवेलेबल है क्वांटमेनिया तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वॉच नाउ करेंगे तो डायरेक्ट आपके हॉटस्टार के ऐप में खुल के कंटेंट प्ले होना चालू हो जाएगा।
ये तो गूगल टीवी वाला वर्जन है, लेकिन पैचवॉल में भी ये है, और पैचवॉल में थोड़ा सा अपडेटेड है क्योंकि बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स के साथ सपोर्ट भी है। ये हो गया यूज़र इंटरफेस की बात। सेटिंग्स में जाकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग चेंज कर सकते हो, यूएसबी लगा सकते हो, इसके अलावा स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हो, इनपुट सोर्स चेंज कर सकते हो, वाईफाई वगैरह 5 GHz का ये सपोर्ट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। पिक्चर सेटिंग्स में ये सब एडवांस वीडियो वाले ऑप्शन भी हैं आपको, ग्लोबल डिमिंग एंड ऑल। इसमें प्रॉपर पूरी सेटिंग्स खोलेंगे तो इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। बेसिकली ये टीवी एंड्रॉयड 11 पर ये काम करता है और बहुत फास्ट है। गूगल टीवी होने की वजह से इट्स जस्ट द फास्टेस्ट 32 इंच का टीवी जो कि एंड्रॉयड में है और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मज़ा आ गया। सीरियसली यूज़र इंटरफेस में तो मज़ा कर दिया। अगर ऐप्स खोलने की बात करें तो नेटफ्लिक्स का मैंने बटन दबाया है रिमोट में, जो यूजुअल टाइम है वो 15 से 20 सेकंड का लगता है, लेकिन आई थिंक ये रैम में पहले से ही लोड था तो तुरंत ही खुल गया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं किसी प्रोफाइल में जाता हूँ, प्रोफाइल खुलने में टोटल मिला के 15 से 20 सेकंड लगते हैं किसी भी एक बहुत अच्छी एंड्रॉइड टीवी में, पर ये 32 इंच का टीवी है तो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक वही 15-20 सेकंड, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने टाइम पे खोल दिया। आई विल गिव इट अ ह्यूज 9.9 out of 10 इन ऐप ओपनिंग। प्राइम वीडियो का बटन दबाया है मैंने, लेट्स होप फॉर बेस्ट कि प्राइम वीडियो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। प्राइम वीडियो का ओपनिंग टाइम है करीबन 10 सेकंड के आसपास लगता है और वो स्टार्ट हो जाता है, एंड आई थिंक ये 10 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको स्क्रीन पर कोई फ्लिकरिंग दिख रही है या फिर कुछ कलर शिफ्टिंग दिख रही है, दैट्स नॉट द टीवी इशू, ये कैमरा का ही इशू है। कैमरा जब 32 इंच के टीवीज़ को शूट करता है तो थोड़ा सा वायर पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ इफेक्ट आता है, रेनबो इफेक्ट टाइप का, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। बट हाँ, प्राइम वीडियो भी तुरंत ही खुल गया, कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही है। यूट्यूब अगर खोल रहे हैं तो यूट्यूब भी तुरंत खुल जाता है, यूट्यूब तो खैर जल्दी खुल जाता है, 5 से 7 सेकंड ही लगते हैं इसको खोलने में। पहली बार खोला है तो शायद ईमेल आईडी से लॉग इन करने के लिए बोलेगा, केसरी गाना बहुत फेमस चले जा रहा है, तो आप अगर कुछ चलाना चाहते हैं तो आपको चला भी सकते हैं। यूजर इंटरफेस इज गुड, आई थिंक बेस्ट इन एनी एंड्रॉइड टीवी। 9.9 में इजीली यूजर इंटरफेस में दूंगा। इसका पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट और ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट और कर लेते हैं। दोस्तों, ये है वीडियो क्वालिटी का टेस्ट या फिर एक्चुअली पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ Xiaomi A सीरीज 32 इंच टीवी 2023 का मॉडल। डिसेंट ही कहूँगा मैं, बिकॉज आई हैव सीन बेटर इन 32 इंच फॉर श्योर। जो इनिशियल एक्सपेंशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जो ब्राइटनेस है द टीवी की, वो अभी विविड मोड पर सेट है, उसके बाद भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। कलर्स आर डिसेंट बिकॉज विविड पिक्चर इंजन अच्छे से काम करता है। विविड मोड में, स्टैंडर्ड मोड में भी आपको ठीक ठाक कलर्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखना क्योंकि शार्पनेस इज़ अ इशू विद दिस टीवी फिलहाल, जो मुझे लग रहा है इट्स नॉट शार्प इनफ फॉर 32 इंच टीवी। मैं मानता हूँ कि 720p का ही कंटेंट है, और अगर आप 720p का कंटेंट देखोगे तो इतना शार्प नहीं दिखता है, बट बाकी 32 इंच की टीवीज़ में मैं देखता हूँ काफ़ी शार्पन दिखाने की कोशिश की गई है। नहीं मज़ा आ रहा है यार, मतलब इसमें भी शार्पन में प्रॉब्लम आ रही है शार्पनेस में, बट फॉर अ 32 इंच टीवी अगर आप इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन का कंटेंट देखना चाह रहे हो या हाई डेफिनेशन का कंटेंट देखना चाह रहे हो तो वो डिसेंट दिखेगा। 10 में से 9 marks मैं दे दूंगा इसको, बिकॉज इससे भी बुरे भी बहुत देखे मैंने। चूँकि यह Xiaomi का एक बहुत अच्छा टेलीविज़न है, 13,000-14,000 रुपये की रेंज में आ रहा है, तो उन्होंने एक डिसेंट पैनल लगाया है, नॉट द बेस्ट फॉर श्योर। 5A Pro में थोड़ा सा बेटर पैनल था, आई बिलीव इट, एंड इट्स ग्रेट फॉर श्योर, बट जो डार्क लेवल्स हैं ब्लैक लेवल्स वो अच्छे आ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ रहा है, जैसे इस सीन में देखिए आप ब्लैक लेवल्स परफेक्ट हैं, बट वो इसलिए हैं क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम है टीवी का। अब ब्राइटनेस कम है तो जो ब्राइटनेस जिस सीन में देखना चाहते हैं उस सीन में आपको अच्छा नहीं दिखेगा, जो डार्क सीन्स हैं वो अच्छे दिख सकते हैं, बट शार्पनेस का इशू तो हर जगह रहने वाला है। 10 में से 9 ही दूंगा, एक्चुअली 8.8 ही दूंगा अगर मेरे को पिक्चर क्वालिटी में आप पूछोगे तो इसमें पॉइंट्स के लिए। ये सीन अच्छा लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है ये बात मैं मानता हूँ, बट कॉन्ट्रास्ट में जो डीपेस्ट ब्राइटेस्ट वाइट वाला पार्ट है वो फिर से वहीं ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि ब्राइटनेस टीवी का इतना अच्छा नहीं लग रहा है ओवरऑल, या फिर जो इनका विविड पिक्चर इंजन है वो इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ये सीन अच्छा लग रहा है, बट इसमें स्किन टोन्स अच्छी दिख रही हैं, कुछ कुछ सीन अच्छे दिखेंगे, कुछ कुछ सीन्स बुरे दिखेंगे, मिक्स सा रिव्यू रहेगा पिक्चर क्वालिटी में। यार मेरे को Xiaomi के जो पिछले 3 TV 32 इंच के मैंने अनबॉक्सिंग करी है उनका इतना पसंद आया नहीं है सच कहूँ तो, बट हाँ इट्स लुकिंग नाइस, यू कैन गेट इट फॉर द प्राइस, इट्स वेरी गुड, बट द यूजर इंटरफेस इज जस्ट अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। Shame on me, I'm a fool for the melody, I don't wanna stop right now. All I need is a drum with a heavy beat, hit me with that future sound. It's time to let go, we're not going home, this feeling I can't live without. So shame on me, I'm a fool for the melody, this is our party, and this is where the beat goes down. So shame on me, I'm a fool for the melody.
where the beat goes down. दोस्तों पूरा गाना सुना है मैंने ऑडियो में, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ कि आई एम जस्ट मेसमराइज्ड विद द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। 32 इंच में सिर्फ 20 वॉट स्पीकर के साथ में लास्ट ईयर से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, हद से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आप लाउडनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टीवी से, और 80-85 तक डिस्टॉर्शन भी नहीं हो रहा है वो चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डायलॉग क्लैरिटी इसमें अच्छी आने वाली है, मैंने इसमें गुड डॉक्टर का एक एपिसोड भी देखा था। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अ सिंगल प्रॉब्लम विद द ऑडियो क्वालिटी फॉर श्योर इन दिस टीवी। वीडियो क्वालिटी में भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा बहुत और शार्प हो सकता था कंटेंट, मे बी आप सेटिंग्स में थोड़ा सा शार्पनेस को और बढ़ा सकते हैं। यूजर इंटरफेस इज ग्रेट, ओवरऑल ये टीवी अच्छा है। मे बी अगर आपको 12,500 रुपये तक 13,000 रुपये तक मिल रहा है तो आप इस टीवी को ले सकते हो। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको ये टीवी और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप यहाँ तक पहुँच गए तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मेरे हिसाब से इट्स अ थम्स अप, ज़्यादा बड़ा नहीं बट हाँ थम्स अप है, बिकॉज 12,500 रुपये का अगर इसकी कीमत है तो मैं इसको सजेस्ट कर दूंगा, 13,000 तक भी सजेस्ट कर दूंगा, बट नॉट एट 14,000 रुपीज, बिकॉज आई थिंक 14,000 में यू कैन गेट बेटर। 1,000 रुपये का डिस्काउंट तो लगा ही लेना, 13 से ऊपर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ 13,000 रुपये में इट प्रोवाइड्स अ डिसेंट पिक्चर क्वालिटी विद ग्रेट ऑडियो क्वालिटी, ग्रेट डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस MI की तरफ से, एंड रिमोट भी बहुत अच्छा है। एंड जो गूगल टीवी का एक्सपीरियंस है वो 32 इंच में बहुत कम टीवी में आता है, और एक अच्छे ब्रांड वाली टीवी में तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये पहला टीवी मैं कहूँगा जो अच्छे ब्रांड के साथ में गूगल टीवी के साथ आए 32 इंच 720p के टीवी में, तो इट्स अ ह्यूज थम्स अप मेरे हिसाब से। यू कैन जस्ट बाई अगर ये 13,000 रुपये से कम का पड़ रहा है आपको तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।